Hello friends, welcome to our YouTube channel Law Wallet. I advocate Parveen Singhal. Today is going to discuss the issues related to power of attorney. इसकी better understanding के लिए हम इसको दो parts में divide कर रहे हैं. एक part में हम discuss करेंगे अगर आप power of attorney दी जा रही है for doing any action other than transfer of immovable property. और next video में हम discuss करेंगे अगर आप power of attorney दी जा रही है for transfer of immovable property. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी. पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है. सपोज एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कहता है तो वो क्या कर रहा है कि अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है दूसरे पर्सन को करने के लिए. मीन अगर एक पर्सन लाइक फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अक्षय है और मिस्टर कुमार दो पर्सन है. मिस्टर अक्षय मिस्टर कुमार अक्षय जी अपने बिहाफ पर कुछ काम करने के लिए कुमार जी को कहते हैं तो यहाँ पर क्या कर रहा है मिस्टर अक्षय जी अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं टू मिस्टर कुमार. और ये पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरीके से दी जा सकती है. इट मे बी आइदर इन रिटन फॉर्म और ओरल और इन सर्टेन केसेस इट मे बी इम्प्लाइड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर अक्षय मिस्टर कुमार को कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ पर एक पर्टिकुलर सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दीजिए इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार तो यहाँ पर मिस्टर अक्षय पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं किसको मिस्टर कुमार को फॉर अप्लाइंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेल डीड. या एक पर्सन अपने अकाउंटेंट को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पर ऑडिट करा लीजिए तो यहाँ पर अटॉर्नी दे रहा है पर्टिकुलर पर्सन अपने अकाउंटेंट को तो ये भी क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी की कैटेगरी में आएगा. तो दोनों वैल्यू है या तो ये रिटर्न फॉर्म में हो सकता है या इम्प्लॉयड फॉर्म में भी हो सकता है. पावर ऑफ अटॉर्नी इज गवर्न्ड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882. इसके डेफिनेशन स्क्रीन पर है. पावर ऑफ अटॉर्नी इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट मीन एनी रिटन डॉक्यूमेंट एम्पावरिंग ए स्पेसिफाइड पर्सन टू एक्ट फॉर एंड इन द नेम ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग इट. मीन एक पर्सन दूसरे पर्सन को अटॉर्नी दे रहा है ऑथराइज कर रहा है कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए एम्पावर कर रहा है कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए तो जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या कर रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है. स्कोप ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी. पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन रिगार्ड टू एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट. मीन्स कोई भी राइट टाइटल या इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता है. जबकि ये सिर्फ एक एजेंसी है. जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं कि एक प्रिंसिपल अगर अपने एक एजेंट को कोई काम करने के लिए दे रहा है तो यही पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल एग्जीक्यूटर होगा और एक अटॉर्नी एजेंट होगा. तो यहाँ पर एक कि कोई एक पर्सन अगर दूसरे को काम करने के लिए दे रहा है तो वो क्या होगा पावर ऑफ अटॉर्नी की कैटेगरी में आएगा. पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरीके की जनरली दो तरीके की होती है. फर्स्ट इज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड सेकेंड इज स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी. मीन्स अगर एक पर्सन लाइक मिस्टर अक्षय और मिस्टर कुमार का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम उसी एग्जाम्पल से देखेंगे. अगर मिस्टर अक्षय दो या दो से ज्यादा काम करने के लिए एम्पावर कर रहे हैं कुमार को तो वो क्या होगा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. जहां पर दो या दो से ज्यादा काम करने के लिए एम्पावर किया जाता है अटॉर्नी दी जाती है वो आता है इन दी कैटेगरी ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड काम करने के लिए अगर अटॉर्नी दी जा रही है एम्पावर किया जा रहा है दूसरे पर्सन को तो वो होगा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी. अब देखते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक कब और कैसे किया जा सकता है. पावर ऑफ अटॉर्नी सबसे पहले हम देखते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को कब रिवोक या वो कैसे रिवोक हो सकती है. जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सपोज आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई डेट लिखी है और एक्सपायरी की डेट है कि इस दिन तक किसी पर्टिकुलर पर्सन को एम्पावर किया जा रहा है काम करने के लिए तो उस पर्टिकुलर डेट जो लिखी हुई एक्सपायरी डेट उस डेट को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सपायर हो जाएगी. या अगर जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है लाइक प्रिंसिपल जिसने जो प्रिंसिपल है लाइक मिस्टर अक्षय यहाँ पे प्रिंसिपल या हमारे केस में मिस्टर अक्षय की डेथ हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है. और इन केस ऑफ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर जिस पर्सन जिस पर्टिकुलर काम को करने के लिए
राइज किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है, वो काम कंप्लीट हो जाता है, अकम्पलिश हो जाता है, तो वो क्या होगी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी इन, अगर प्रिंसिपल किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन कराना क्या कंपल्सरी है पावर ऑफ अटॉर्नी का, तो हम कहेंगे नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी। आप स्टैंप पेपर पर भी इस एग्रीमेंट को बना सकते हैं या प्लेन पेपर पर भी इस एग्रीमेंट को बना सकते हैं और एम्पावर कर सकते हैं दूसरे पर्सन को कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि स्टैंप पेपर आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दी अपॉन केस टू केस, किस पर्टिकुलर काम को काम करने के लिए एम्पावर किया जा रहा है। तो जनरली हम देखते हैं कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हैं तो आप उसको नोटरी, मीन्स अगर आपने स्टैंप पेपर में बनाया है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, तो लेकिन जनरल प्रैक्टिस क्या है कि स्टैंप पेपर पे पावर ऑफ अटॉर्नी का एग्रीमेंट बनाया जाता है और उसके बाद नोटरी से साइन करा लिया जाता है या हम कहेंगे कि अटेस्ट कराया जा सकता है। प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, लाइक कुछ सर्कमस्टांसेस में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, लाइक अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करने के लिए अगर अटॉर्नी दी जा रही है तो इसका कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन इसका जरूरी है। लेकिन कभी कभी जो प्रिंसिपल है वो कहते नहीं मुझे रजिस्टर, इसलिए ऑथेंसिटी बनाए, ज्यादा ऑथेंसिटी बनाए रखने के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो आप रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे सेल डीड होती है, कन्वेंस डीड होती है, वैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन इन दी सब रजिस्ट्रार ऑफिस हो सकता है। इसमें जनरली 50-50 रुपीज के स्टैंप पेपर पे आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रिंसिपल और एजेंट और साथ में दो विटनेस का होना जरूरी है। प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।